लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि विभाग के सीनियर प्रोफेसर, हम लोगों के मार्गदर्शक और इस सेकंड कैंपस के इंचार्ज आदरणीय प्रोफेसर ENNS यादव सर जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम सर का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ऐतिहासिक लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के क्रम में हम लोगों ने व्यापक पैमाने पर योग के अलग अलग स्थानों पर योग शिविर लगाया और उसमें योग के प्रेमियों का और अलग अलग फैकल्टीज़ में शिक्षकों का, छात्रों का और जन सामान्य का भरपूर सहयोग मिला। तो हमें प्रसन्नता है कि आज का जो योग का शिविर है ये अंतिम शिविर है। अंतिम कहने का मतलब ये नहीं कि अब हम लोग कार्यक्रम नहीं करेंगे, मगर शताब्दी उत्सव के दौरान का ये अंतिम शिविर है और हर्ष का विषय है कि सर का आज हम लोग को आशीर्वचन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। सर ने हमेशा हम लोग को अच्छा कार्य करने के लिए और सकारात्मक संघर्ष करने के लिए मुझे प्रेरणा प्रदान किए, एक ऊर्जा के रूप में मुझे मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। तो सर हमारे बीच में है, सर से निवेदन है कि माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुभारम्भ करने के बाद सर। सर, मैंने शताब्दी उत्सव पे एक कविता की रचना की है, मैं लिखता भी रहता हूँ सर। तो शताब्दी उत्सव पे स्वर्णिम 100 वर्ष पे मेरी कविता है, मैं इसकी प्रति एक सर आपको भेंट करना चाहता हूँ। सर से निवेदन है कि आशीर्वचन के रूप में हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए कुछ उद्बोधन प्रदान करने की कृपा करें। आज अमरजीत जी, मेरे लिए हर्ष का विषय है कि आज मुझे आपके बीच में आने का अवसर मिला और ख़ास तौर से ये जो हमारे शताब्दी समारोह का ये आज अंतिम दिन है 25 तारीख और 25 नवंबर को ही हमारा मतलब विश्वविद्यालय का स्थापना हुई थी 1920 में। तो इस अवसर पर ये जो योग प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है, इसमें मैं आपका स्वागत करता हूँ कि कम से आज के समापन के दिन, जैसा कि अमरजीत जी ने बताया कि ये स्वागत जो शताब्दी समारोह है उसका ये अंतिम योग शिविर है और आपने इस अंतिम योग शिविर से शताब्दी समारोह के अंतिम दिन आपने बहुत शानदार तरीके से आप इसका समापन करेंगे और मेरा ख्याल है आज शाम को सारे हमारे प्रोग्राम ख़त्म हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का भी आज हमारे शताब्दी समारोह में शाम को उद्बोधन होगा। तो इस शानदार शुरुआत के लिए और इस शानदार समापन के लिए हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और मुझे इसमें अवसर मिला आपके बीच बैठने का, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अनुरोध करूँगा अमरजीत सिंह से और साहब से कि आप प्लीज़ शुरुआत करें। शुक्रिया। लक्ष्मी गुप्ता, नीतिमा और अर्चना वर्मा जी, आप आकर के योग शिविर प्रारंभ करवाएं। प्रथम अभ्यास करेंगे हम प्रार्थना। हाथों को जोड़ लीजिए, अपनी आंखें बंद करिए। बोडो काल का प्रार्थना है जो बताया गया, उसका हम अभ्यास करेंगे। मैं बोलूंगा उसको आप दोहराइएगा। ओम संगच्छध्वम्, ओम संगच्छध्वम्, ओम संगच्छध्वम्, संजाना उपासते।
में सुस्त क्रिया होगा, उसके लिए पहले दोनों पैरों को मिलाइए, कंध खींचाओ, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को खींचिए, ऊपर की तरफ हथेलियाँ बाहर की तरफ खुली हुई हैं, सामने की तरफ देखें, अपने मेरुदंड को सीधा रखें, खींच रखें, छोड़ते हुए श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं। एक बार और इसका अभ्यास करते हुए श्वास को लेते हुए बाहर की तरफ खुली, सामने की तरफ देखें, छोड़ते हुए कंधे चादर, दोनों हाथ खोलिए ऊपर की तरफ, हथेलियाँ ऊपर, दोनों हाथों को अपने कंधे पर लाइए, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज तीन तीन बार पांच लेकर ऊपर खोलिए, खींचिए छोड़ते हुए नीचे लाइए, सांस को अपने खोने को उठाएं तो बस सबको खींचे, सांस को भरें और छोड़ते हुए नीचे लाइए, तीन बार सोने के साथ और तीन बार अभ्यास करेंगे हम आसनों का। इसके लिए सर्वप्रथम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी बनाइए, दोनों हाथों को सामने की तरफ करते हुए उंगलियों को आपस में फंसाते हुए बाहर की तरफ खिंचाव डालते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, श्वास को लेते हुए अपने पंजों पर आइए, सामने की तरफ देखते हुए पैर के पंजों से लेकर हाथों की उंगलियों तक अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचे, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे आए। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ सामने की तरफ उंगलियों को फंसाइए, बाहर की तरफ खींचते हुए श्वास को लेते हुए अपने पंजों पर आइए, एड़ी को खींचते जाइए, सामने की तरफ देखते हुए शरीर को रोकने का प्रयास करते हुए इसी अवस्था में बने रहें और धीरे धीरे वापस आए। शरीर का संपूर्ण तनाव ये दूर करता है, इसके साथ बच्चों को अगर हम अभ्यास कराते हैं तो उनकी लंबाई बढ़ती है। अब हम अभ्यास करेंगे वृक्षासन का। इसके लिए सर्वप्रथम अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर तक इतना लाएं जहाँ पे बाएं पैर की शुरुआत है, सिरी नाड़ी एड़ी से दबाते हैं, यहाँ पे सिरी नाड़ी होती है, दोनों हाथों को उठाते हुए हथेलियों को ऊपर करिए, श्वास को लेते हुए हाथों को मिलाइए, सामने की तरफ किसी एक बिंदु पर फोकस करिए, एकाग्रता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा रिपोर्टिव सिस्टम के लिए, स्थिति के साधन के लिए ये आसन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इस अवस्था में बने रहने का प्रयास करिए, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाइए। ये प्रक्रिया हम बाएं पैर से करेंगे, बाएं पैर को मोड़ते हुए बनाएंगे, एड़ी को दबाते हुए बाएं पैर पे एड़ी को दबाइए, अभ्यास करेंगे त्रिकोण आसन। इसके लिए अच्छे से हो जाए सामने की तरफ, इस साइड खाची तरफ त्रिकोण आसन सबको पता है, दाएं पैर घुमाइए दाएं तरफ, दोनों हाथ को खींचे ऊपर की तरफ, श्वास को छोड़ते हुए दाएं हाथ को नीचे लाइए, दाएं एड़ी के पास में ऊपर वाले हाथ लिए ध्यान रखिएगा कि आपके घुटने में घुटने को मोड़िएगा नहीं, श्वास के सामान्य है, श्वास लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं, बाएं पैर को खोलिए बाएं तरफ, श्वास को लेकर दोनों पैर दोनों हाथों को उठाइए, छोड़ते हुए बाएं गई को लेकर जाएं बाएं हाथ को, उन्होंने हाथ की बदमा उंगली को देखने का प्रयास करें, बच्चों को बोले नहीं, श्वास को सामान रखें, बने रहे, लेते हुए वापस आरंभिक अवस्था में आते हुए दोनों पैरों को मिला लें, आपके जैसा प्रारंभिक दशा में आ जाए जैसे आप पहले त्रिकोण आसन आपकी नसों पर प्रभाव बढ़ाता है, इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है आपके पैर वेंस की, आपके हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है ये। हम अभ्यास करेंगे कड़ी चालन का, मैं मिक्स करवा रहा हूँ,
पैर में थोड़ी सी दूरी बनाइए, परिचालन दोनों हाथ सामने की तरफ पास को लें, छोड़ते हुए दाएं तरफ जाएं, दाएं हाथ के अंगूठे को देखने का प्रयास करते हुए अपनी टुंडी को इतना घुमाएं कि दाएं हाथ के कंधे की दिशा में आपकी टुंडी पहुंच जाए। वापस श्वास को लेते हुए सामने की तरफ देखते हुए श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ जाएं, बाएं हाथ के अंगूठे को देखने का प्रयास करें। वापस श्वास को लेते हुए सामने एक बार और करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए दाएं तरफ दाएं हाथ के अंगूठे को देखें, अपनी टुंडी को घुमाएं इतना, हम अभ्यास करेंगे वॉरियर पोज का, वीर भद्रासन। वॉरियर में तीन होते हैं, हम पहले पहला करेंगे, इसलिए सर्वप्रथम अपने दाएं पैर को बाकी निकालें, दाएं पैर पीछे करिए, हम बाएं पैर से करेंगे, बाएं पैर को आगे निकालिए, बाएं घुटने को मोड़ते हुए कमर को घुमाइए सीधा, श्वास को लेते हुए दोनों हाथ को पीछे की तरफ खींचे, कंधे से पीछे आएगा, गर्दन को थोड़ा सा उठाइए, आपका हाथ आपके कंधे से ज्यादा पीछे जाएगा, छोड़ते हुए वापस आइए। ये वॉरियर फर्स्ट है, वीर भद्रासन फर्स्ट, ये आपके आंख में स्ट्रेस आता है, आपके चेस्ट में एक्सपेंड होता है, चेस्ट एक्सपेंड होता है तो ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ता है, इसके अलावा फुल बॉडी के लिए वीर भद्रासन बहुत ही अच्छा होता है। अब हम अभ्यास करेंगे वीर भद्रासन सेकंड पर, वॉरियर सेकंड, फिर से दाएं पर आगे निकालिए, वापस उठाते हुए में आ जाएं और अभ्यास करेंगे वॉरियर थर्ड का, वीरभद्रासन तीसरा, क्योंकि आप सबका अभ्यास से इससे नजर आ रहा हूँ। दाएं पैर को थोड़ा सा आगे निकालेंगे, इससे कंडीशन होते हैं आप चाहे तो घुटने को मोड़ सकते हैं, चाहे तो सीधा रख सकते हैं, और धीरे धीरे दाएं पैर को उठाएं सीधा, दोनों हाथ सामने करते हुए गर्दन को उठाइए ऊपर सामने लीजिए और पैर को उठाते जाइए, उस स्थिति झुकी न होती सब स्थल बने रहने का प्रयास करते हुए वापस आइए। हम बाएं पैर से करेंगे, बाएं पैर को आगे लाइए, ये वाली बहुत ही स्टेज में प्रेस के लिए अच्छा रहेगा, आप बोल लें लेते हैं थोड़ा सीधा कर लें और हाथ को लेकर कोशिश करें जैसे पांच मिनट है बंद हो और उठाइए पैर इनका प्रयास करिए और वापस करिए। शरीर को बैलेंस प्रदान करता है, संतुलन प्रदान करता है, ये बता सकते तीनों जो स्टेप है ये शरीर की क्षमता को बढ़ाते हैं, इसके अलावा संतुलन आता है, जिनकी बॉडी वाइब्रेट होती है जिनके चलने में दिक्कतें होती हैं उनके लिए तीनों आसन बहुत ही अच्छे होते हैं। अब हम अभ्यास करेंगे त्रिअंताड़ासन का, थोड़ी दूरी बनाइए, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएं, चौड़ा लें श्वास को लें, छोड़ते हुए दाएं तरफ बस आपके हाथ सीधे होने चाहिए, आप सामने की तरफ दें और बॉडी अपनी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, उस तरीके से बिल्कुल सीधे जाएंगे, तो फिर अवस्था में बने रहें, श्वास को लेते हुए वापस आए। प्रक्रिया हम करेंगे बाई तरफ और छोड़ते हुए बाई तरफ को हमको सीधे लेके जाइए, हाथ को जोड़ेगा के बराबर अरे चक्रासन, दोनों हाथ अपनी कमर पर रखिए, श्वास को लेते हुए अपने पूंजे को नजदीक ले जाते हुए पीछे की तरफ फेंक करते हुए श्वास को भरते हुए चेस्ट में इनहेल करते हुए बैठ श्वास लेते हुए पीछे जाइए, जितना आप सुविधापूर्वक जा सकते हैं जाइएगा और केवल अपने अपर पोर्शन को ही पीछे लेके जाना है, कोशिश करिए कि आपके घुटने ना मुड़ें। वापस आइए, दाएं
उधर जाइए श्वास छोड़ते हुए, और जब हम पीछे जाएंगे तो अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे, हमें कभी कभी चक्कर आ जाता है, आप देख सकते हैं। फिर से हम इसका अभ्यास करेंगे श्वास को लेते हुए, छोड़ते हुए वापस आ जाइए। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे, एक बार और कर लीजिए, टाइम हमारे पास में। श्वास को लेकर पीछे जाइए, बस कोशिश करिएगा कि आपके घुटने ना मुड़े। वापस आइए, मिलाइए, आप इसे करिए, कागासन में आएंगे, बैठ जाएंगे, बैठने वाले आसन का अभ्यास करेंगे, हाँ दंडासन, फिर हम करेंगे बड़ा इडली आसन, दोनों पैर मोड़ते हुए। कोशिश करें कि घुटने आपके नीचे जाके लड़े, स्पाइन बिल्कुल सीधी हो, आप मेजमेंट को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें, सुखाएगा नहीं। सांसों की गति सामान्य है, चेहरे पे बिल्कुल भी तनाव नहीं, धीरे धीरे आपका ये एरिया गीला हो जाएगा और खिंचाव पड़ेगा आपको। हम अभ्यास करेंगे वक्रासन का, अपने दाएं पैर को मोड़िए, दाएं पैर को इतना मोड़िए, दाएं हिप, दाएं एडी अपने बाएं घुटने को छुए, ये बिल्कुल सीधा हो, इसको लटकाइएगा नहीं, दाएं हाथ को पीछे रखिए, पीछे की दिशा में, बाएं हाथ को ऊपर उठाइए और दाएं एडी के पास ला कर अभ्यास करेंगे मंडू आसन का, आप मुझे को बंद करते हुए नाभि क्षेत्र के नीचे लगाते हुए श्वास को छोड़ते हुए एक्सहेल करें और नीचे जितना आप जा सकते हैं जाएं, बस कोशिश करिएगा कि आपकी आपके मेरुदंड में कब नहीं होना चाहिए, स्पाइन बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, गर्दन को इतना उठा के रखें कि सर्वाइकल की दिक्कत ना हो, गर्दन को ऊपर रखिए, सामने की तरफ देखिए, ऐसे श्वास को लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाए। आगे से घुटने को खोल दीजिए, करेंगे अभ्यास उत्तान मंडूकासन का, सर्वप्रथम दोनों हाथों को उठाएं, हाथों लिए गोकुल करें, बाएं हाथ को बाएं कंधे पर पीछे की तरफ रखें और बाएं को दाएं तरफ, श्वास को लेते हुए डायफ्राम में हवा भरते हुए गर्दन सीधी रखें, इस अवस्था में बने रहें 10 सेकंड तक। श्वास को वापस हम अभ्यास करेंगे अर्ध उष्ट्रासन का, उसके बाद उष्ट्रासन का, हाफ कैमल पोज फिर कैमल पोज, अपने नीज पे आइए, अपने घुटनों पे आइए, हल्के से दूरी बनाते हुए दोनों हाथ को अपने लेग पर रखिए, श्वास को लेते हुए अपनी कोहनियों को पीछे की तरफ खींचते हुए कमर को आगे की तरफ ढकेलिए, कोशिश करिए कि आपकी आँखें खुली हों, आँखें बंद नहीं रखिएगा, श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएँ, शशांक आसन में आ जाएँ, चाहे कोशिश करिए कि आपका चिन और आपका चेस्ट नीचे की तरफ छुए और आपका बैक आपकी हील को आपके पीछे का हिस्सा उठे नहीं। वापस आते हुए विश्व अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन फुल कैमल पोज, पूरा दोनों हाथ को उठाएं और पीछे की तरफ लाते हुए कमर को आगे ढकेलें, कमर को आगे ढकेलें, गर्दन को पीछे करें, आंखें खुली हुई, को
हाथ को छोड़ते हुए वापस फिर से एक बार और शशांक आसन में आएंगे, आगे की तरफ झुक जाएं। उष्ट्रासन लैंडिस को चपटा करता है। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है ये, बट जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो बहुत ध्यान से करें या ना करें क्योंकि चक्कर आ सकता है आपको, आप पीछे गिर सकते हैं। तो इस आसन का अभ्यास करते समय इस बात का ध्यान रखें। अब हम करेंगे पेट की बात, असीम लेट चाहिए पेट की बात, उनको मिलाइए और दोनों पैरों के साथ मोटिवेशन लाइए मिला वापस दोनों पैर में आते हुए हम अभ्यास करेंगे भुजंगासन का। अपने हाथों को कंधे के बगल लगाते हुए एड़ियों और पंजों को मिलाते हुए सांस को लेते हुए धीरे धीरे उठने का प्रयास करेंगे। कोशिश करिए कि आप एड़ियों और पंजे मिले हुए हों, एल्बो इनसाइड हो, अंदर की तरफ हो, सांस को लेते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे। दो बार और इसका अभ्यास करेंगे, सांस को लेते हुए धीरे धीरे उठाएंगे। एक बार और दोनों हाथों को अपनी थाइस के नीचे लगाइए, शलभासन का अभ्यास करेंगे। अपनी चिन को नीचे रखिए, सांस को लेते हुए अपने दाएं पैर को सीधा उठाइए ऊपर की तरफ, केवल दाया पैर सीधा नीचे लाइए। अब उठाएंगे बायां पैर बिल्कुल सीधा नीचे लाएंगे। हम उठाएंगे दोनों पैरों को एक साथ, अब हम करेंगे अभ्यास दंडासन या प्लैंक जो बोलते हैं, वो दूसरा दंडासन है जिसमें लाइटर योगा में इसके बारे में लिखा हुआ है। ये हाथों को लॉक करिए ऐसे थोड़ा सा एडवांस सबने किया होगा और 50 से काउंट करेंगे। इस अवस्था में ऐसे बने रहेंगे और सामने देखेंगे, बस सिर्फ ध्यान रखेंगे कि आपका ये हिस्सा ना उठे और ना ये ऐसे हो, बॉडी स्ट्रेट हो। 50 ठीक है, कर लेंगे 50 कर लेंगे, चलिए 30 करवा लेते हैं ठीक है। 50 पे कहना है कि 30 करवा, 30 करवा, चलिए स्टार्ट ठीक है। मैं खींचता हूँ, आप सामने की तरफ देखें और बॉडी को सीधा रखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30। भाई आराम से वापस हो जाइए। ये भी शरीर में स्ट्रेंथ आता है आपको, जैसे आप वार्म अप करते हो तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब हम अभ्यास करेंगे धनुरासन का, दोनों पैरों को मोड़ते हुए हाथों से नाइटों को पकड़ते हुए श्वास को लेते हुए जितना उठा सकते हैं सुविधापूर्वक उतना उठाने का प्रयास करें। थोड़ा थोड़ा लाभ बता देते हो जी, और कौन लोग नहीं करेंगे वो भी बोलते थे जी, छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। पेट के फैट कहीं हटाता है, जिनको जिनको पेट की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन है, इसके अलावा पेट जिनका गड़बड़ रहता है, बहुत ज़्यादा फैट बढ़ रहा है, वो इसका अभ्यास करें, उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा हाथों की मसल्स को ये एक्टिव करता है और लेग में आपका जो वेंस है वो उसको स्ट्रेंथ आता है, तो सबके लिए धनुरासन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब हम अभ्यास करेंगे पीठ टेबल करने वाले आसनों का, बाईं कमर से पीठ टेबल लेट जाइए। कुछ देर बने रहें और धीरे धीरे वापस आ जाएं, पैर को नीचे ले आइए। दो
दो बार अभी हम इसका अभ्यास और करेंगे। फिर से अपने पैरों को उठाइए 30 डिग्री पर, श्वास भरते हुए। आपकी आंखें बंद हैं, आपका संपूर्ण ध्यान केवल नाभि क्षेत्र पर है। धीरे-धीरे वापस आ जाइए। एक बार और करेंगे, दोनों पैरों को मिलाते हुए दोनों पैर उठाइए 30 डिग्री पर। बने रहने का प्रयास करिए, रुके रहने का प्रयास करिए। आंखें बंद रखिए, जितना आप फोकस करेंगे नाभि क्षेत्र पर उतना ही स्ट्रेंथ बनी रहेगी। धीरे धीरे वापस आ जाइए। हाँ, तो पहले हम दूरी करते हुए फिर से हम शवासन का अभ्यास करेंगे, क्योंकि शरीर पर बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ा है। हथेलियाँ ऊपर की तरफ, पैरों में दूरी बनाइए, अपनी गर्दन को दाएं तरफ लुढ़का दीजिए, पूरा शरीर ढीला। जो कंप्रेशन हुआ है, जो आपकी धड़कन हृदय की गति बढ़ गई है, वो धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। आपके सांस का आने और जाने का क्रम धीरे धीरे मंद पड़ता जाएगा और आपका पूरा शरीर धीरे धीरे शिथिल पड़ जाएगा। विचारों से दूर होते हुए कुछ देर के लिए अपने संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ने का प्रयास करें। आप ऐसा महसूस करें कि अब आप पूरी तरह से तनाव मुक्त हो रहे हैं। अपनी पलकों को शांत रखें, चेहरे पर कोई खिंचाव नहीं, मन मस्तिष्क और पूरा शरीर कुछ देर बाद शांत हो जाएगा, पूरी तरह से आप ढीले पड़ जाएंगे। इस अवस्था में कम से कम 30 सेकेंड बने रहेंगे, इसके बाद हम दूसरे आसनों का अभ्यास करेंगे। ऊपर की तरफ खींचे, आठलासन आपके शरीर में खिंचाव डालता है, इसके अलावा मानसिक शांति प्रदान करता है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन विपरीत दिशा में होता है। तो जिन लोगों को तनाव है, स्ट्रेस है, वो इसका अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएं, पैरों को नीचे ले आए। एक बार और श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को उठाइए 90 डिग्री पर। कोशिश करिए पूरी ऊपर की तरफ खींची हुई, धीरे धीरे वापस आ जाइए, शायद कुछ सीधा लेके आएंगे। अब हम अभ्यास करेंगे पवन मुक्त आसन का, एयर रिलीज पोज, पवन मुक्त आसन। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, गैस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दोनों पैरों को मुंह होते हुए अपने पेट पर लाइए, दोनों हाथ से लॉक करते हुए सांस को छोड़ते हुए घुटनों को दबाइए अपने पेट पर, और अपने चिन को अपने नी पर लगाइए, अपनी टुड्डी को अपने घुटने पर लगाइए। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे, या वो इसका अभ्यास करेंगे तो अपनी गर्दन को नहीं उठाएंगे। कुछ देर इस अवस्था में बने रहें। श्वास को, श्वास आपकी बाहर है, धीरे धीरे श्वास को लेते हुए वापस प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। दोनों पैर सीधा, हाथ नीचे की तरफ, इसका अभ्यास करेंगे दोनों पैरों को मोड़ते हुए, आप लोग कर सकते हैं, जो वो करें, जो नहीं कर सकते वो नहीं करें, वो रुके। दोनों पैरों को पहले उठाइए 30 डिग्री पर, 90 बनाइए, पीछे की तरफ लाते हुए अपनी को ढकेली पीछे की तरफ, जितना नीचे ला सकते हैं पैर के पंजे को नीचे लाएं, इनके रखने का प्रयास करें। कोशिश करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे, पैर के पंजे बाहर की तरफ खुले हुए, चाहे तो दोनों हाथ नीचे रखें, चाहे तो हाथों को मिला रखें, मिला भी सकते हैं, हाथों खोल भी सकते हैं। बने रहे थोड़ी देर, धीरे धीरे आराम से पहले 90 डिग्री पर लाइएगा, थोड़ी देर फिर से शवासन करेंगे 10 सेकंड का, सर में दूरी बनाएंगे हथेलियां ऊपर की तरफ। बार बार शरीर से खिंचाव पड़े तो थोड़ा सा आप विश्राम कर सकते हैं, थोड़ा सा आप शरीर को आराम कर लेना और ध्यान देना।
रखिएगा, चिन को दबा कर रखिएगा, इतना उठाइए कि चेस्ट का ऊपरी हिस्सा आपके सीने का ऊपरी भाग आपके चिन को छुए। सेतुबंधासन मेरुदंड में खिंचाव लाता है, आपकी स्पाइन को रिलैक्स करता है, आपके संपूर्ण शरीर को आराम पहुंचाता है। इसके साथ ही साथ इसकी कसरत प्रदान होती है, दूसरा से इसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया है। धीरे धीरे दादाजी के पास में आ गए, कपालभाती का अभ्यास नहीं करा रहे क्योंकि हम लोग ज्यादा लोग हैं, फिर आउट होगी तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। इस टाइम हम अभ्यास करेंगे खाली अनुलोम विलोम का। सीधे बैठिए, दाएं हाथ को, दाएं अंगूठे को लेके आइए, राइट नॉस्ट्रिल पे लाइए, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, दाएं नासा क्षेत्र को बंद करिए, बीच की उंगलियों को अपने फोरहेड पे लगाइए, माथे के बीचों बीच में, लास्ट के दो फिंगर्स को लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर लगाइए, बाएं नासा श्वास को लें और फिर दाएं से निकाल दें, फिर दाएं नासा श्वास को लें, दाएं से निकाल दें। ध्यान रखिए कि आपकी नाकें बंद हो, चेहरे का बिल्कुल भी खिंचाव नहीं हो और आवाज नहीं हो, श्वास गहरी हो लेकिन आवाज नहीं हो, साउंडलेस। कुछ देर के लिए संपूर्ण विचारों को त्यागते हुए केवल अपने शरीर के भीतर जाने का प्रयास करते हुए आपका ध्यान केवल आपकी सांसों पर होना चाहिए। जब तक इस प्राणायाम में आपका ध्यान आपकी सांस पर केंद्रित नहीं होगा तब तक अनुलोम विलोम का फायदा नहीं होगा। इसके लाभ लेने के लिए आप कुछ देर के लिए केवल अपनी सांसों पर केंद्रित करें। प्राणवायु अपने जीवन ले जा रहे हैं, इसके सकारात्मक विचार को आप महसूस कर लें और जब तक प्रश्वास के माध्यम से कोशिश करें कि आप बिल्कुल सीधे बैठे हों, आपकी गर्दन पूरी तरह से सीधी हो, आप पूरी तरह से रिलैक्स। जितना इस प्राणायाम में आपका ध्यान आपकी सांसों पर केंद्रित होता जाएगा उतना ही आप ऊर्जावान होते जाएंगे, उतना ही शरीर से तनाव दूर होता जाएगा। धीरे वापस आते हुए अब हम अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। भ्रामरी पहले सर्वप्रथम अपने अंगूठे को कान पर लगाते हुए बंद करते हुए फिंगर्स को बारी बारी नाक के नीचे नीचे लगाते हुए अपने खींच के रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, तीन बार हम भ्रामरी का अभ्यास करेंगे, श्वास को लेंगे और थोड़े की तरह आवाज को बाहर निकालेंगे। श्वास को लेंगे फिर निकालेंगे तो भौरे की तरह आवाज आएगी, वाइब्रेशन।
तारीफ पढ़ने आप आपके स्ट्रेस को दूर करता है, जो भी तनाव है उसको दूर करता है। इसके अलावा इंसोमनिया में भी इसका फायदा देखा गया है, जिनको अनिद्रा की शिकायत होती है वो भी इसका अभ्यास लगातार करें तो इससे उनको मुक्ति मिलेगी, जो भी तनाव है उसको दूर होगा। अब हम करेंगे शांति पाठ, दोनों हाथों को जोड़ लें, आंखें बंद रखें। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति, ॐ शान्ति, 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 शान्ति। PNNS में आदो सर उपस्थित रहे, आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सेकेंड कैंपस के डॉक्टर महोदय साहब भी हमारे बीच में आ गए हैं, आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। और सर की अनुमति से अब इस योग सत्र के समापन की घोषणा की जाती है। सबको धन्यवाद। Thank you.